नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं मनीष कश्यप जेल में है और उनकी माँ पूरी तरह से कोशिश कर रही है, हर मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रही है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जाए, मगर उनका कोई आवाज नहीं सुन रहा है। दोस्तों एक मनीष कश्यप के सपोर्टर ने क्या कुछ कहा, आप सबसे पहले सुनिए। तो दोस्तों सुना आपने कैसे मनीष भैया के सपोर्ट में लोग आक्रोशित हैं और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि मनीष भैया जल्द से जल्द जेल से बाहर हो और मनीष भैया को कुछ उल्टे सीधे केस में फंसाया गया है, सभी लोगों का कहना है। और अगर वो पत्रकारिता करते हैं ठीक है, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, अफवाह मान के चलिए अफवाह फैलाए हैं, लेकिन उससे पहले तो बहुत सारे मीडिया चैनल वाले ने भी ऐसा कुछ किया है, तो उन पे कार्रवाई नहीं हुआ, सिर्फ मनीष भैया पर क्यों? क्योंकि मनीष भैया ने साफ साफ तेजस्वी यादव को चेता दिया था कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपको 180 दिन के अंदर आपका सरकार को गिरा दूंगा। और इसी के चलते शायद हो सकता है कि बिहार की जो सरकार है वो अपने इस बात को दिल पर ले ली और इसी कारण मनीष कश्यप को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा है। चलिए जेल तो हुआ है ठीक है, मगर किस प्रकार उनको टॉर्चर किया जा रहा है अभी आपको देखने की जरूरत है। ऐसे तो किसी बड़ा क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है। दोस्तों आप मनीष भैया के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।